आज की इस दुनिया में बेशकीमती चीजों में सबसे ज्यादा महत्व सोना रखता है। सोने के जेवर, बर्तन और न जाने क्या क्या बनाए जा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग अपनी कार को सोने से ढकते हैं, कुछ लोग सोने के तार से बने कपड़े पहनते हैं, कोई अपने मोबाइल को डिजाइन कराता है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो न जाने कहां कहां पर सोने का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं तो बहुत अमीर हूँ। इसी तरह हमारे भारत की महिलाएं भी सोने के आभूषणों की दीवानी है। और एक साल पहले जब भारत में नोटबंदी हुई थी, तब इस दौरान लोग अपने पास पुराने नोट नहीं रख सकते थे। ऐसे में लोगों ने अपने काले धन को छिपाने के लिए सोना खरीदा था, वो भी काफी मात्रा में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोना धरती के अंदर कैसे बनता है, कब बना था, किन किन तरीकों से इसे खोजा जाता है, कैसे इसे तैयार किया जाता है, भारत की किन किन जगहों पर से सोना निकलता है, कितनी मात्रा में निकलता है, दुनिया के किन किन देशों में सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है और दुनिया में सोना निकालने की सबसे बड़ी बड़ी खदानें कहां पर है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इस तरह के अजीबोगरीब वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारा नया वीडियो मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोना धरती के अंदर बना कैसे या आया कैसे। तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि जीवाश्म के कारण ही सोना धरती के अंदर तैयार हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। सोना बनने का कारण अरबों सालों पहले धरती पर अगर धूमकेतुओं की वर्षा नहीं हुई होती तो इंसानों को कभी सोने की चमक से रूबरू होने का मौका ही नहीं मिल पाता। वैज्ञानिकों के अनुसार लाखों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, इन असाधारण टकराव के साथ ही अरबों टन पिघला हुआ सोना और प्लेटिनम पृथ्वी के केंद्र में समा गए और पृथ्वी की करोड़ का हिस्सा बन गया। इसके बाद लंबे समय तक इस कीमती धातु का यह भंडार इंसान की पहुंच से दूर पृथ्वी के गर्भ में पड़ा रहा था। लेकिन आज मनुष्य जाति इतनी चालाक हो चुकी है कि वह हर चीज की खोज करके उसे पाने की जिद में लगा हुआ है। इसीलिए विल बोल्ट्स ने अपने बयान में कहा था कि हमारी खोज दिखाती है कि ज्यादातर कीमती धातुएं जिन पर हमारी औद्योगिक प्रक्रियाएं निर्भर है, वो उस सौभाग्यशाली संयोग का नतीजा है जो अरबों टन भारी आकाशीय तत्वों की बमबारी के कारण पृथ्वी के गर्भ में शामिल हो गया। तो कुछ इस तरह से धरती पर सोना आया था और आज आप जानते हैं कि इसकी कीमतें आसमान छू रही है। उसके बाद जमीन में सोना है कि नहीं इस बात का पता कैसे लगाया जाता है। तो ये काम उसी तरह से होता है जिस तरह से जमीन में तेल और गैस के भंडारों का पता लगाया जाता है, जिस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है कि धरती के अंदर तेल और गैस का पता कैसे लगाया जाता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम गोल्ड की बात कर रहे थे जिसमें जमीन में नीचे क्या है इसका पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR का प्रयोग किया जाता है। दरअसल यहाँ मिट्टी के भौतिक गुणों जैसे घनत्व, चुंबकीय गुण, रेजिस्टिविटी, इन सबको रिकॉर्ड करता है जिसके आधार पर ग्राफ तैयार होता है और यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि मिट्टी के नीचे कौन सा तत्व है। इसके बाद इसकी कोर एनालिसिस की जाती है। इस काम में जमीन के नीचे ड्रिलिंग करके थोड़ा थोड़ा मलबा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है जिससे इसकी सटीक जानकारी मिलती है कि नीचे क्या है। इसके अलावा जमीन में पड़ी संपदा यानी धातु जिसमें गोल्ड, चांदी, तांबा आदि सब VLF टेक्नोलॉजी के जरिए पता लगाई जाती है। इसके लिए जमीन के भीतर तरंगे भेजी जाती है। एक बार इन तरंगों से टकराने के बाद VLF रिसीवर्स उन वस्तुओं के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है और खासकर मेटल से टकराकर एक अंजू गूंज पैदा करता है। तो इस तरह का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI की टीम करती है। तो अब हम बात करेंगे कि इन सोने को निकालते कैसे हैं, कैसे उनकी खोज की जाती है। तो सोना निकालने के साथ अलग अलग रास्ते हैं, सात प्रक्रियाएं हैं जिनमें से चार प्रक्रिया इंसानों द्वारा की जाती है। मतलब इंसान चार तरह से सोना निकाल सकता है और बाकी तीन प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया है। तो सोना निकालने का पहला तरीका विस्फोट करके चट्टानों को तोड़ना। यहाँ पर किस पत्थर को तोड़ना है इनकी जांच
भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट करते हैं और फिर उस चिन्हित चट्टानों को डायनामाइट की मदद से तोड़ा जाता है। तकरीबन 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है, क्योंकि सोना एक जगह पर जमा नहीं होता और यहाँ स्वर्ण अयस्क के रूप में मूव करता रहता है, इसलिए इस मलबे को बाहर निकाल लिया जाता है। दूसरा तरीका, पत्थरों की पिसाई। अब अंदर से निकाले गए इस मलबे के पत्थरों को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीस लिए जाते हैं। इस काम को करने के लिए करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। तीसरा तरीका, बालू को गीला करने की प्रक्रिया, जिसमें बालू को पानी में डाला जाता है और फिर इसको एक टेबल पर डाला जाता है जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल के ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं और फालतू का पत्थर बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो टेबल इस्तेमाल होता है वो कोई सामान्य टेबल नहीं होता। यह प्रक्रिया एक वाइब्रेशन टेबल पर संपन्न की जाती है जिसमें पत्थर छन जाता है। उसके बाद कंबल को धोने की प्रक्रिया। यह सब होने के बाद पानी में कंबल को धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोना मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है जहां से पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाते हैं और फिर इस जमा हुए सोने के कण के बिस्किट, ईट, प्लेट और अन्य सामान बनाया जाता है। अगर यहां तक काम बन जाए तो रासायनिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर काम ना बने तो इसके बाद 3 अलग अलग रासायनिक प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पहली रासायनिक प्रक्रिया साइनाइड की प्रक्रिया। अगर अयस्क में सोने की मात्रा कम है तो रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। खान से निकाले पत्थरों और इनके चूर्ण को कार्बन पल्स प्लांट में प्रोसेस करते हैं। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ देते हैं और इस साइनाइड की रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल के रूप में बाहर आ जाता है। दूसरी रासायनिक प्रक्रिया, अम्लग्मेशन। स्वर्ण अयस्क से शुद्ध सोना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है और फिर उसे मिल भेज दिया जाता है और मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है और इसके बाद अयस्क को पारे की तरह चटी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है और उसके बाद स्वर्ण और पारा मिलकर अमलगम बना लेते हैं और इस प्रक्रिया को अम्लग्मेशन कहा जाता है। एक बार अमलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। इसके बाद सोना बचा रहता है और पारे से निकली हुई गैस बहुत ज़्यादा जहरीली होती है और इसीलिए इसे निकालते वक्त सावधानी बरतने की पूरी ज़रूरत होती है। एक और तरीका है जिसे फ्लोटेशन कहा जाता है। जमीन से निकले अयस्क को एक खोल में रखा जाता है जिसमें झाग बनाने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल्स भी। झाग बनाने वाला तत्व इस पूरे घोल को झाग में बदल देता है। संग्राहक तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं जिससे एक तैतीय फिल्म बन जाती है जो सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ जाती है। इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग कर दिया जाता है तो इस तरह सोना बनता है और आपके पास आता है। तो इस पूरी प्रक्रिया से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोना निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है। यही कारण है कि बाजार में सोने के दाम इतने ज्यादा होते हैं। अब यहाँ निकला हुआ गोल्ड बहुत ठोस होता है और इसके असल रूप से आभूषण बनाना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर सोना या तो अकेले या फिर सारे सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है जिसमें कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट और क्रैनराइट के रूप में भी यहाँ पाया जाता है। और खदान से जो सोना निकाला जाता है वो अयस्क के रूप में होता है जो एकदम शुद्ध सोना होता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में किन किन जगहों पर से सोना निकाला जाता है। तो आपको पता हो या ना हो, भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है जहाँ कोलार, हुट्टी और ऊटी नामक खानों से सोना निकाला जाता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड की हीराबुदुनी और केद्रुकोचा की खानों से भी सोना निकाला जाता है। अगर हम झारखंड की एक खदान के बारे में बात करें तो यहाँ 1 टन पत्थर से लगभग 4 ग्राम सोना निकाला जाता है और हर साल औसतन 7 किलोग्राम सोना यहाँ की एक खदान से निकाला जाता है।
तो अब हम बात करेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना निकालने वाली खदानें कौन सी हैं। तो जिसमें किम्बरले खदान जो अफ्रीका में है, उसके बाद ग्रेसबर्ग खदान जो पापुआ में है, कार्ले नेवादा खदान जो अमेरिका में है, वेलाडेरो खदान जो अर्जेंटीना में है और लेहिर खदान जो पापुआ न्यू गिनी में है। अब हम उन पांच देशों की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा गोल्ड निकालते हैं या सोने का उत्पादन करते हैं, जिसमें पहला देश है चाइना, जो कई सालों से गोल्ड के उत्पादन में आगे रहा है, जो वैश्विक खनन उत्पादन का 13% सोना निकालता है और चाइना करीब एक साल में 426 टन गोल्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन उनकी सरकार ने प्रदूषण से लड़ने और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए प्रयासों के कारण बीते साल 6% की गिरावट आई है। हालांकि मौजूदा परियोजना में कई खानों के उत्खनन के कारण इस साल फिर से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, बीते साल की कंपेयर में ऑस्ट्रेलिया ने इस साल 5 टन ज्यादा गोल्ड निकाला है। हालांकि मिनेक्स ने साल 2017 से लेकर साल 2057 के बीच अपेक्षित गिरावट का एक रिपोर्ट जारी किया है, जब तक कि खर्च पर की गई राशि दोगुनी न हो। ऑस्ट्रेलिया 295.1 टन सोना एक साल में प्रोड्यूस करता है और ऑस्ट्रेलिया का खनिज उद्योग उसकी कुल निर्यात से आधे से ज्यादा है और सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 8% उत्पन्न करता है। उसके बाद रूस, यूरोपीय सोने का एक विशाल भाग यानी 83% सोना रशिया से आता है, जो साल 2010 से हर साल अपने उत्पादन को बढ़ाता गया है। रूस ने इस साल बीते साल से 17 टन ज्यादा सोना उत्पादन किया। लेकिन इस सोने का सबसे बड़ा खरीददार कौन है? उनकी ही सरकार, जो स्थानीय उत्पादित सोने का लगभग 2/3 भाग खरीदती है और रूस हर साल 270 टन सोना प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अमेरिका, अमेरिका ने भी बीते साल की कंपेयर में इस साल 8 टन ज्यादा सोना निकाला है, जहां नेवादा में लांग कैनियल परियोजना और दक्षिण कैरोलिना में हेल परियोजना में प्रोजेक्ट रैंपअप द्वारा उत्पादन का समर्थन किया गया था और अमेरिका हर साल 230 टन सोना प्रोड्यूस करता है और उसमें भी लगभग 78% अमेरिकी सोना अकेले नेवादा से आता है, जिसकी हमने अभी बात की कि कार्ले नेवादा खदान जो दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। उसके बाद कनाडा, स्टारबक्स सीईओ सेल्टर्स जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए सबसे बड़ा आर्थिक खतरा है। कनाडा ने साल 2017 में 10 टन ज्यादा सोने का उत्पादन किया था। टोरंटो स्थित सैमरिज गोल्ड ने उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया में एक ग्लेशियर के पीछे हटने के बाद एक महत्वपूर्ण स्वर्ण क्षेत्र पर ठोकर खाई और अनुमानित 780 मीट्रिक टन सोने का अनुमान है और कनाडा हर साल 175 टन सोना प्रोड्यूस करता है। तो ये थी सोना निकालने की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।